सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल एसके गेमिंग जोन। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर भाई मैं आपको अपने फ्री फायर इंडिया के बारे में कुछ ऐसी ऐसी अपडेट्स देने वाला हूं जिनको सुन के भाई आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। और यस गाइस फाइनली अपना फ्री फायर इंडिया रिलीज होने वाला है, वो भी बहुत ही जल्दी। गाइस इस वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा रिलीज डेट वगैरह, साथ ही साथ भाई यहां पे क्या-क्या यहां पे नई लीक्स आई है फ्री फायर इंडिया के बारे में, क्या-क्या नई-नई अपडेट्स हैं, सारी चीजें इस वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि यार हम आपके लिए अपने फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड ऐसे रेगुलर अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक फ्री डायमंड वाली ट्रिक के बारे में। तो अभी गाइस मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप फ्री में 400 से 500 रुपए का रिडीम कोड दे सकते हो एंड उसको रिडीम करके आप अपने गेम के अंदर फ्री में 500 डायमंड का टॉप अप कर सकते हो। सो अगर आपको भी फ्री का रिडीम कोड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आपको बस उस लिंक को ओपन करना है। जैसे आप उस लिंक को ओपन करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। यहां पे गाइस एक फोटो खुल के आई है और नीचे यहां पे लिखा हुआ होगा व्यू इन टेराबॉक्स ऐप, तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। जैसे आप व्यू इन टेराबॉक्स ऐप के ऊपर क्लिक करोगे आप लोग सीधा प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे गाइस ये वाला ऐप आपके सामने खुल के आएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। बिल्कुल छोटा सा ऐप है, एक मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करते ही जो भी परमिशन मांगेगा सारी परमिशन दे देना, फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो अपनी कोई भी गूगल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना। बस गाइस यार इतना सा काम आपको करना है और फिर यहाँ पे आपके सामने वापस से वही फोटो खुल के आएगी और नीचे सेव लिखा हुआ है तो सेव कर देना। इतना सा काम करते ही गाइस यार जो भी आपने ईमेल आईडी से लॉगिन किया था उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको मिलेगा फ्री में 400 से लेके 500 रुपए के रिडीम कोड। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे रिडीम कोड मिल चुका है और मैं इसको गेम के अंदर जाके रिडीम कर लेता हूँ। देख सकते हो यार यहाँ पे मुझे फ्री में भाई 500 रुपए के रिडीम कोड मिला है। तो इस ट्रिक को अगर आप यूज करते हो तो आप भी फ्री में 400-500 रुपए के रिडीम कोड दे सकते हो। और अभी फिलहाल ये ट्रिक 100% वर्किंग है, कल को ये ट्रिक बंद भी हो सकती है, तो इसको जल्दी से जाके लूट लो। और ये ट्रिक भाई एक फोन पे एक बार काम करेगी, तो अगर आपके घर पे ज्यादा फोन है तो हर एक फोन से जाके इस ट्रिक को ट्राई करो और ज्यादा ज्यादा फ्री के रिडीम कोड ले लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी तगड़ी तगड़ी अपडेट्स दूंगा फ्री फायर इंडिया के बारे में जिनको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी अपडेट नहीं रहेगी जो कि मेरी पुरानी वीडियो से हो। सारी की सारी नई अपडेट्स हैं और एकदम ताजा अपडेट्स हैं। सो गाइस यार सबसे पहले ये सुनो भाई आज की सबसे ताजा खबर और एकदम लेटेस्ट यहाँ पे फ्री फायर इंडिया के रिलेटेड न्यूज। तो भाई गरेना इंडिया जो है कुछ करने वाला है बहुत ही जल्दी एमपी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। लगभग एक डेढ़ साल पहले जब फ्री फायर इंडिया की अनाउंसमेंट हुई थी तब यार यहाँ पे उन लोगों ने यूपी गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया था जहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह होने वाला था वहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह। लेकिन गाइज अभी ये लोग जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ कुछ करने वाले हैं। इसके बाद गाइज अगली बड़ी न्यूज ये निकल के आ रही है भाई गरेना इंडिया वालों ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है स्काई स्पोर्ट्स को, जो कि एक बहुत ही बड़ी मतलब ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये लोग टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड इनके जो ओनर हैं उनका भी कुछ टाइम पहले इंटरव्यू आया था, वो भी फ्री फायर इंडिया के बारे में कुछ बोल रहे थे। सो अभी करंटली ऐसी न्यूज आ रही है कि यहाँ पे गरेना इंडिया वालों ने फ्री फायर इंडिया की जो लॉन्च पार्टी होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है स्काई ई स्पोर्ट्स को। इसके बाद गाइस जो अगली बड़ी न्यूज है वो ये है कि भाई जो अपना थाला कैरेक्टर है वो अपने ओबी 46 अपडेट के अंदर आने वाला है जो कि 4 सितंबर को आएगा। ये चीज गाइस 99% आप समझ लो कि कंफर्म है कि अभी जो अपना नया अपडेट आएगा कुछ ही दिन में 10 से 15 दिन में उसके अंदर अपना थाला कैरेक्टर आने वाला है, जो कि गाइस काफी हद तक इशारा करता है कि फ्री फायर इंडिया जो है आपको 5 सितंबर को ही देखने को मिलेगा। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि थाला कैरेक्टर आने वाला है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखो यार यहाँ पे जो अपना ओबी 46 अपडेट का जो एडवांस सर्वर अभी फिलहाल चल रहा है उसके अंदर यहाँ पे अगर आप क्राफ्टलैंड मोड के अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक नया क्राफ्टलैंड का मोड आया है जहाँ पे गाइस आप लोग थाला कैरेक्टर को भी ऐड करके खेल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे क्लियरली अपने ओबी 46 अपडेट की फाइल्स के अंदर यहाँ पे थाला कैरेक्टर को जो है एज ए कैरेक्टर मतलब फाइनली गेम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड जैसे मैंने कल वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भाई यहाँ पे थाला कैरेक्टर का जो इवेंट है वो आने ही वाला है, अभी जो अपना ओबी 46 का अपडेट आएगा इसके अंदर आएगा ही आएगा और सितंबर मंथ के अंदर ही आएगा। और यही नहीं भाई थोड़ा और सुनो, मुंबई के अंदर अभी जो है गरेना इंडिया वालों का एक शूट हुआ है। अब ये फ्री फायर इंडिया के बारे में है कि नहीं है वो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन शायद फ्री फायर इंडिया के बारे में हो सकता है क्योंकि ये एक सीक्रेट शूट था, चोरी चोरी छुपके छुपके ये लोग शूट कर रहे हैं। वैसे एक इनका वीडियो भी आया था जो कि जो सुपर हीरोज वाला जो इवेंट आया हुआ है उसको लेके एक वीडियो आया था, तो ये भी मुंबई का वीडियो में भी हो सकता है कि ऐसी कुछ शूटिंग चल रही हो। लेकिन गाइस कुछ नहीं बोल सकते, अभी फ्री फायर इंडिया जो है 5 सितंबर को आ सकता है, काफी हद तक चांस है, 99% चांस है। और जो है अभी हो सकता है कि कुछ सीक्रेटली यहाँ पे शूट कर रहे हो ये लोग। इसके अलावा गाइस अगर आप एक और चीज देखोगे तो आप देखो यार इंडिया के अंदर अभी ई-स्पोर्ट्स तो हो भी नहीं रहा है, ठीक है। और फ्री फायर इंडिया वालों का जो ई-स्पोर्ट्स पेज है ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम का ई-स्पोर्ट्स पेज है वहाँ पे वो लोग कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी अपलोड नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल का जो ई-स्पोर्ट्स पेज है यूट्यूब पे वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वो लोग अभी कुछ भी नहीं डाल रहे हैं पिछले 2 साल से जब से गेम बैन हुआ है। लेकिन अगर अभी आप जो है फ्री फायर इंडिया के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि वो लोग सिर्फ एक ही पेज को फॉलो करते हैं। और अगर आप जाके चेक करोगे तो भाई वो लोग सिर्फ अपने फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल का जो ई-स्पोर्ट्स पेज है सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। मतलब गाइस ई-स्पोर्ट्स के अंदर ये जो है बहुत ही जल्दी काम चालू करने वाले हैं, गेम भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, मे बी 5 सितंबर को ही गेम आ जाएगा। काफी सारे हिंट्स हमें मिल चुके हैं, बस अब वेट है एक छोटी सी अनाउंसमेंट का जो कि मे बी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, मे बी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी गाइस आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। आज की इस वीडियो के लिए गाइस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फ्री डायमंड वाली ट्रिक बताई, जाके उस ट्रिक को यूज करो और भाई आप लोग भी यहाँ पे फ्री के रिडीम कोड ले सकते हो, तो उस ट्रिक को यूज जरूर से कर लेना। चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।